हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अज की अपनी इस वीडियो के आप गल करांगे जो अपना लैसन है गदरी बाबाज इन काला पानी जेल। जिहड़ा अपना यह लैसन है आई थिंक पंजाब बोर्ड की जी अपनी प्लस टू क्लास है उस दे विच आपां नूं यह लैसन है गदरी बाबाज इन काला पानी जेल बाय डॉक्टर हरीश के पुरी। हुण आपां गल करांगे इस लैसन दे विच आपां नूं की दस्या गया पंजाबी दे विच तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे। सब तो पहला देखो आपां नूं इस लैसन दे विच दस्या गया सैल्यूलर जेल। सैल्यूलर जेल जिसनों की काला पानी जेल के नाम नाल भी जाना जाता है जिहड़ी कि बनाई गई सी अंग्रेजां द्वारा पोर्ट ब्लेयर नाँ की जगह पर। जिहड़ी यह जगह सी पोर्ट ब्लेयर भारत की भूमि तो दूर सीगी, मतलब कि जिहड़ियां भारत दीआं मुख जेलां सी उन्हां तो दूर एक अलग जेल बनाई गई सी जिसनों की काला पानी जेल है जिहड़ा वो नाम दिता गया सी। हुण यह जेल अलग क्यों बनाई, भारत में जेलां हैगियां सी तां एक अलग जेल है जिहड़ी अंग्रेजां ने यह क्यों बनाई सी, क्यों बनाई सी क्योंकि भारत की आजादी लई लड़ रहे क्रांतिकारियों नूं सज़ा देने लई 1906 बनाई गई सी। जिहड़ी यह जेल है काला पानी जेल 1906 दे विच बनाई गई सी और यह बनाई क्यों गई सी क्योंकि जिहड़े भारत की आजादी दे लई लड़ रहे सी क्रांतिकारी उन्हां नूं सज़ा देने दे लई, उन्हां नूं सज़ा तां जिहड़ियां देश दे अंदर जेलां बनियां सी उत्थे भी दित्ती जा सकती सी, बट ये एक स्पैशल जेल है जिहड़ी वह बनाउण दी जरूरत क्यों पई क्योंकि जिहड़े अंग्रेज सीगे वह सोचते सी कि जिहड़े भारत के लोग ने क्रांतिकारी ने जो क्रांति कर रहे ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ, क्योंकि 1906 की गल है उस वक्त अपना जिहड़ा भारत है वह अंग्रेजों का गुलाम सी, तां जिहड़े अपने भारत के लोग सीगे उन्हां ने क्रांतिकारी गतिविधियां ने जिहड़ियां वह अंग्रेज सरकार के खिलाफ छेड़िया हुई सी कि साडा देश है जिहड़ा वह सानू आजाद चाहिए तुसीं साडे देश दे विच्चों निकल जाओ। तो अंग्रेजां ने उन्हां नूं खामोश करन दे लई एक स्पैशल जेल है जिहड़ी काला पानी जेल बनाई गई भारत की भूमि तो दूर, और उत्थे उस जेल दे विच जिहड़े इह क्रांतिकारी सीगे उन्हां नूं बहुत ज़्यादा सख्त सजावां ने जिहड़ियां उह दित्तियां जांदियां सी क्योंकि उत्थे दा माहौल है जिहड़ा काला पानी जेल का वह बहुत ही ज़्यादा खराब सीगा, उत्थे मच्छर बहुत ज़्यादा सी, कीड़े मकौड़े बहुत ज़्यादा सी, और जिहड़े अपने ये क्रांतिकारी ने उन्हां उस जेल दे विच लिजा के उन्हां बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा जिहड़ी दित्ती जांदी सी। सख्त सज़ा मतलब कि उन्हां कम है जिहड़ा उन्हां तो बहुत ज़्यादा करवाया जांदा सी और उन्हां खाण दे लई जिहड़ी उन्हां दी डाइट है वह बहुत घट दित्ती जांदी सी, और उन्होंने काम दे विच एक टास्क दिता जाता सी कि तुसी ने मतलब कोल्लू पीड़ना है जां तुसी ने सरसों का तेल नारियल का तेल इन्नी मात्रा दे विच कढ़ना है 30 पाउंड 40 पाउंड जिन्ना भी उन्होंने टारगेट दिता जाता, और जेकर उन्नी मात्रा दे विच ओह तेल ना कढ़ पाउंदे तां उन्होंने बहुत ज़्यादा कुट्टिया मारिया जाता उत्थों के जिहड़े अधिकारी सीगे उन्हां द्वारा, और इस कुट्टमार दे दौरान बहुत सारे जिहड़े क्रांतिकारी सीगे अपने भारती सीगे उस जेल दे विच सज़ा कटदे हुए उन्हां दी मौत है जिहड़ी वह भी हो जाती सी, और अंग्रेजां दा मकसद ही यही सी जिहड़े अंग्रेजां दे कुछ क अधिकारी सीगे उन्हां दा मकसद ही यही सी कि जिहड़े क्रांति कर रहे ने क्रांतिकारी उन्हां नूं उन्हां दी क्रांति नूं दबाया जावे ताकि इस सज़ा तो डरदे वह अपनी क्रांति है जिहड़ी अंग्रेज सरकार के खिलाफ वह बंद कर देन। सो इस मकसद के लिए यह जिहड़ी काला पानी जेल है वह बनाई गई सी। हुण अगे देखो जिस तरह की अपने लैसन का नाम है गदरी बाबाज इन काला पानी जेल। इस जेल के बहुत सारे भारती जिहड़े अपने क्रांतिकारी ने उन्हां नूं भेजा गया, और उस जेल दे विच गदरी बाबाज ने जिहड़े गदरी बाबाज कहा जांदा सी एक कुछ कु लोगों का संगठन सीगा, लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया सी जिसका नाम रख्या सी गदर पार्टी। वह संगठन की सीगा देखो उस दे बारे भी डिटेल दे विच पढ़दे आं। गदर पार्टी इस संगठन का नाम सी और गदर पार्टी के जिहड़े मैंबर सीगे उन्हां नूं गदरी बाबाज कहा जांदा सीगा। सो काला पानी जेल के बारे तुहानू पता लग गया ते 1906 दे विच बनाई गई सी और क्यों बनाई गई सी इन्हां नूं सज़ा देने दे लई। हुण गदर पार्टी बारे आपां देखो जानकारी लैणा, गदर पार्टी की सी, गदर पार्टी यूएसए अते कैनेडा विच रहन वाले भारती पंजाबियां दा संगठन सी जिसका उद्देश भारत की आजादी सी। हुण जदों अपना भारत देखो अंग्रेजां दा गुलाम सी तां जिहड़े अपने भारत दे लोक स्पैशली जिहड़े पंजाबी सीगे जिहड़े कि यूएसए अते कैनेडा दे विच रहिंदे सीगे तां उन्हां ने एक अपना संगठन बनाया, संगठन बनाया ताकि अपने देश नूं आजाद करवा सकन, और उन्हां दा जिहड़ा समूह सीगा एक संगठन बहुत सारे लोगों का उसका नाम उन्होंने दिता गदर पार्टी।
इस दे जिहड़े मैंबर सीगे ओह गदर पार्टी दे मैंबर उन्हां नूं ही गदरी बाबा जिहड़ा कहा जाता सीगा। और इस पार्टी के जो मुख्य मैंबर सीगे, वैसे तो बहुत सारे मैंबर से इस पार्टी के, फिर भी जोड़े फेमस सीगे उन्हां दे विचों कुछ के नाम देखो, लाला हरदयाल सिंह, संत बाबा विसाखा सिंह, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराबा अते राज बिहारी बोस, इस पार्टी के गदर पार्टी के कुछ मुख्य मैंबर सीगे। हुण जिहड़े ये गदर पार्टी के मैंबर सी, गदर पार्टी बनाई सी, ये जिहड़े अपने पंजाबी सीगे, इन्होंने की किया गदर पार्टी जिहड़े पंजाब, इन्होंने पंजाब आके, गदर पार्टी ने पंजाब आके 1915 क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दित्तियां। ये संगठन जिहड़ा इन्होंने बनाया सी, ये पंजाब आ गए, मतलब यूएसए ते कैनेडा दे विच जो अपने भारती पंजाबी रहिंदे सीगे, गदर पार्टी उन्होंने एक संगठन बनाया और भारत दे विच आके उन्होंने 1915 दे विच क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू करतियां, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़नी उन्होंने शुरू कर दिती कि साढ़े देश दे विचों तुसी जाओ, असी अपने देश नू आजाद करवाना चाहुंदे आ। तां इस मकसद दे लई जिहड़े अंग्रेज सीगे उन्होंने सोचा कि जिहड़ी गदर पार्टी है ये अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेजों के, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जिहड़ी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रही है, इसलिए इन्हां नू गदर पार्टी के मैंबरां नू अंग्रेजां ने काला पानी जेल है जी उसकी सज़ा देनी शुरू कर दी, मतलब कि इन्हों काला पानी जेल के भेजा गया गदर पार्टी के मैंबरों। तो जो गदर पार्टी के मैंबर काला पानी जेल के गए तो उत्थे इन्होंने देखा कि जोड़े उत्थे पहला तो कैदी सके, क्योंकि जी जेल है 1906 बनाई गई सी, और गदर पार्टी के मैंबर ने जोड़े उस जेल के जिस वक्त भेजे गए उस तो पहला भी कई सारे भारतीय क्रांतिकारी उत्थे कैद रखे हुए सी। और जो गदर पार्टी के मैंबर उत्थे गए उन्होंने देखा कि कैदियों के नाल बहुत ही माड़ा सलूक किया जाता है, और उत्थे का वातावरण माहौल भी बहुता चंगा नहीं सी, कैदियों नू बहुत ज़्यादा परेशानी आती सी। तां इसलिए गदर पार्टी के जिहड़े मैंबर ने इन्हां ने उत्थे अंदोलन है जिहड़ा अपना वह शुरू कर दिता, जिस तरह की भुख हड़ताल, नारेबाजी और देशभगती के गीत ने जोड़े वो इन्होंने गाने उत्थे शुरू कर दिते, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अंदोलन है जोड़ा काला पानी जेल के शुरू कर दिता, क्योंकि उत्थे जोड़े कैदी से उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया जाता सी, और जोड़े अंग्रेज से इन्हों दुख हड़तालों देखते हुए जो ये नारेबाजी करते, भुख हड़ताल करते, या फिर देशभगती के गीत गाँवते, तो इन्हों भी बहुत ज़्यादा कुटिया जाता, और बहुत सारे जोड़े गदर पार्टी के मैंबर से वह अंग्रेजों की कुटते कारण उन्होंने काला पानी जेल के अपना दम है जोड़ा वो तोड़ दिता। पर जोड़े ये गदर पार्टी के मैंबर ने इन्हों ने अपना हौसला जोड़ा वो जारी रखिया, इन्होंने भुख हड़ताल भी जारी रखी, नारेबाजी भी जारी रखी, और अंग्रेज़ सरकार जी उस दे खिलाफ मतलब बगावत है जी ये जेल दे विच करते रहे। तो आखिरकार जी अंग्रेज़ सरकार है जदों ये गल अंग्रेज़ सरकार तक पहुँची, एक गल मैं तुहानूं होर दसना चाहुंदा कि जी अंग्रेज़ सरकार सी, सरकार माड़ी नहीं सी, अंग्रेज़ सरकार दे जिहड़े कुछ कु अधिकारी सीगे वह माड़े सीगे, अंग्रेज सरकार दे विच जिहड़े उच्च अधिकारी सीगे बहुत सारे बहुत चंगे भी सी। तां इस तरह जदों उपरले उच्च अधिकारियों नूं इह गल दा पता चलिया कि काला पानी जेल दे विच बहुत सारे जिहड़े क्रांतिकारी कैदी ने उन्हां दी हत्यावां हो रही ने, उन्हां दे भुख हड़तालां जारी ने, वह नारेबाजी कर रहे ने, तां इसलिए जिहड़ी अंग्रेज सरकार दे उच्च अधिकारी सी उन्हां ने अपने तो नीचे वाले अधिकारियों नूं इस गल दी रिपोर्ट मंगी कि इन्नी ज़्यादा जेल दे विच हड़ताल क्यों हो रही है और इन्नियां ज़्यादा मौतां ने जिहड़ियां क्यों हो रही ने। जदों उन्हां नूं इस गल दा पता चलिया कि क्यों मौतां हो रही ने और जिहड़े जेल दे विच कैदी ने उन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उन्हां दी कुटमार की जा रही है, जिस कारण उन्हां दी मौतां ने जिहड़ियां वो हो रही ने, तां इसलिए जिहड़ी उच्च अधिकारी ने उन्हां नूं निचले अधिकारियों जो काला पानी जेल दे विच जिन्हां दी ड्यूटी सी उन्हां नूं हिदायतां दित्तियां कि तुसीं ने कैदियों के नाल बुरा सलूक है जिहड़ा वो नहीं करना, कैदियों दे नाल तुसी ने बहुता बुरा सलूक नहीं करना, उन्हां नूं मतलब उन्हां दे नाल थोड़ा जिहा नरमी दे नाल पेश आउणा है। तो इसलिए उस तो बाद जिहड़ा ये कैदी सीगे क्रांतिकारी कैदी सीगे काला पानी जेल दे विच उन्हां दे नाल नरमी दे नाल पेश आया गया। तो इसलिए गदर पार्टी ने पंजाब आके जो 1915 दे विच ये क्रांति है जिहड़ी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कीतियां सी, उस तो बाद 1921 दे विच बहुत सारे कैदियों नूं मतलब कि जदों ये घटना हुईयां सी बहुत सारे कैदियों दी मौतां हुईयां सी, इसलिए उच्च जिहड़े सरकार दे अधिकारी सीगे उन्होंने हिदायतां कीतियां, तां उस तों बाद 1921 दे विच बहुत सारे कैदियों नूं छड्ड दित्ता गया काला पानी दे विच्चों, जां फिर मातभूमि भारत दीआं जेलां विच भेज दित्ता गया।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਵਾਈ ਸੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ